हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आइए दोस्तों, आज सिंपलीफिकेशन का फिर नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो पूछा था रेलवे वेलवे में पूछता है और एसएससी में भी बैंकिंग में पूछा है क्वेश्चन। तो वीडियो के अंदर देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी है, तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको देख के आप आंसर बता देंगे, अभी देख के बता देंगे आंसर, तो इसका आंसर देख के हम बता देंगे क्या होगा। लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे इसका आंसर आप देख के बता देंगे। पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देख के बताने के लिए बता रहा हूँ। 2 3 6 -1/3 इसको लिख सकते हैं, 5 2 10 -3/5 इसको लिख सकते हैं, और 7 2 40 होता है, 14 -5/7 इसको लिख सकते हैं, डैश 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 करके इसको लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 कैरी 1, 2 9 18 19 कैरी 1, 2 9 18 और 90 -9 9 7/9 9 9। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये आपका आता है 5/3, ये आता है 7/5, ये आता है 9/7, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1001/999। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इससे एक कैंसिल हो रहा है, इससे एक कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये लास्ट वाला ऐसे जाएगा, इससे आगे भी कैंसिल होगा, इससे आगे कैंसिल होगा, इससे आगे कैंसिल होगा, और यहाँ पे जब टर्म्स इसके पहले वाला आएगा उससे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक बात, इससे एक कैंसिल हो रहा है नीचे वाला, इसके अंश से इसका हर, इसके अंश से इसका हाथ, ऐसे जात जात जाते 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 लास्ट तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, और यहाँ पे 999 से 999 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर हर में 5 से 7, मतलब इनके बीच में 2 गैप है, +2 8 हुआ है, यहाँ पे जब जाएंगे तो 99 ऊपर हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे भी 2 का 8 हुआ है, तो नीचे जब 2 का 8 हुआ है तो यहाँ पे भी आपका 2 माइनस कर देंगे तो 99 7 हो जाएगा नीचे। क्लियर, इसके जस्ट पहले वाला, और उसके बाद आ जाएगा 1000 1/9 99। देखिएगा 9 9 से 9 कैंसिल, और इसके जस्ट पहले 97 ऊपर आएगा, 97 कैंसिल, उसके बाद आप लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में अंश क्या बचा, अंश बचा 1001, और नीचे हर यहां पे क्या बचा, 3 आंसर। एक बार और ध्यान से देखिएगा, यहां तक प्रोसेस तो आप कर लिए, ये भी प्रोसेस आपको समझ में आ गया, इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अंश और हर में कितने का डिफरेंस है, ऊपर 2 ऐड करते जा रहे हैं, नीचे भी 2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक बात आपको निकलना है कि इसका अंश इसके हर से, इसका अंश इसके हर से, इसका अंश इसके हर से कटता जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला, इसके जस्ट पहले वाला आप एक टर्म्स निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म्स निकालेंगे तो यहां पे 2 2 ऐड हो रहा है, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 57, इसमें 2 माइनस करेंगे 99। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जस्ट पहले वाला से इसके अंश से इसका हर कैंसिल हो जा रहा है, मतलब बस ए बच रहा है। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला निकाले तो अंश से हर कैंसिल हो जा रहा है, लास्ट वाला है ए बच रहा है, और इसके पहले वाला सब कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा अपने पहले वाले से, अंश में हर में 3 बच गया और अंश में 1 तो ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा, देख के आप बता देंगे, यहाँ पे आप बस देखिए नीचे कितना का गैप जा रहा है, 2 का 1 का मल्टीप्लाई कीजिए मन में, 5 7 ऊपर 2 का गैप जा रहा है, जब 2 2 गैप जा रहा है, सम विषम जब आता है तो देखिएगा विषम आता है, तो इसका अंश हर और इसका अंश हो जाता है आंसर। ठीक है, विषम जब आता है तो इसका और इसका अंश हो जाता है आंसर। तो देख के बता देंगे, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में भी पूछा हुआ है, रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 999 सही 1/7 +999 सही 2/7 +999 सही 3/7 +999 सही 4/7 +999 सही 5/7 +999 सही 6/7 का सरलतम रूप होगा। लॉन्ग क्वेश्चन, इजी है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आइए। अब एक बात और आपको ले चलते हैं हम फ्रैक्शन वाला पे,
जब शुरू वाला क्लास आप देखे हो तो समझ में आता होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला क्लास आप देखे होंगे तो इस तरह बताए थे कि जब ऐसे टर्म्स आते हैं इनको हम प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे टर्म्स को हम क्या करते हैं, प्लस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर, इसको प्लस के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक काम ये करना है, तो आप देखिएगा जो 9 9 पूर्ण वर्ग है उनको एक साथ लिख लीजिए, 9 9 9। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस का साइन लगा लीजिए। क्यों क्यों प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि ऐसे जब क्वेश्चन आता है इनको ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर इसको ऐड करते हैं तो ऐड कर देते हैं। अब उसमें प्लस का साइन लगा के जो फ्रैक्शन वाला है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, यहां तक बात के लिए। 9 9 9 कितने बार है, 6 बार है, तो 9 9 9 × 6। ठीक है, प्लस 5 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 21 21 / 7 हो गया। अब आइए, 9 9 9 आया है, और इसका टर्म्स कल हम बताए थे कल वाला क्लास में कि जब ऐसे क्वेश्चन आता है इनको 10 के रूप में लिख लेते हैं, मतलब 9 9 9 किसके करीब है, 1000 के, 1000 के। तो 1000 - 1 × 6 प्लस 7 3 21, 7 3 = 21, तो 3। यहां तक बात के लिए, छः का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6000, 6 1 = 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे 10 10 में से 6 = 4, 9 = 9 9, 5 - 3 + 3 माइनस वाला तो हो ही गया है, तो 5 9 9 और 4 और 3 7, तो 5 9 9 7, 5 9 9 7 वाला आंसर आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप दिमाग में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिएगा सब जो वर्ग पूर्ण वर्ग है जो होल नंबर उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, होल नंबर को हम एक साथ ऐड कर लिए। ठीक है, होल नंबर एक साथ ऐड हो गया, अब फ्रैक्शन को आप एक साथ दिमाग में ऐड कर लीजिए, होल नंबर क्या आएगा उसका मान फ्रैक्शन क्या आएगा उनको ऐड कर लीजिए, आपका दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस पे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। तो होप कि आपको क्लास मजा आया होगा, इंजॉय किए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप क्लास समझ में आया कि नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया जाए कमेंट करके आप बताइएगा। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो मिस नहीं होगा। और हाँ, जितनी क्लासेज चलती है उसमें से बस आपके 3 क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती है, क्योंकि यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है कि 3 ही क्लास का नोटिफिकेशन वो भेजता है और नहीं भेजता है, तो आप और क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप चैनल पर आके अपनी टाइमिंग से देख लीजिएगा, टाइमिंग आपको वीडियो के शुरू में पता चल जाता है, अंत में भी पता चल जाता है, टाइमिंग वही है, टाइमिंग कोई चेंज नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे, प्रॉब्लम किसी ना हो, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।